Hello students, welcome to our English class. In today's lecture we will complete this exercise of pronouns. In previous lecture we did the pronouns I, me, my, mine. हमने I, me, my, mine अच्छे से हम लोगों ने पहले लेक्चर में ये पूरी एक्सरसाइज की है. ओके और ये पूरी एक्सरसाइज आपने होप फेयर बुक में भी लिखी हो. Now in today's lecture we will do the pronouns, that is he, she, his and her. हम इस लेक्चर में कौन से प्रोनाउंस करेंगे? He, she, his, her. Okay, चलो मैं आपको बताती हूँ. He, तो when we are talking about some boy, हम किसी boy का नाम ले रहे हैं. That Raj is a teacher. Raj कौन है? Teacher है. ओके फिर मैं उसके बारे में कुछ और बोलूं तो राज इज अ लड़का है. लड़का है ना राज, तो राज की जगह पे हम लोग ही यूज करते हैं. ओके फिर लड़के की कोई चीज हो, जैसे कि ये बॉटल यहाँ पे पड़ी है, वो किसकी है? राज की है. तो लड़के के बारे में, उस बॉटल के बारे में हमने बोला, तो जब लड़का आता है हम उसकी किसी चीज के बारे में बोलते हैं तो तब हम यूज करते हैं HIS. His. समझ में आया? अगर लड़के का नाम है कहीं पे तो हम उसके जगह पे यूज करेंगे कि ही, बट उसकी कोई चीज के बारे में बात करनी हो तो हम बोलेंगे HIS his यूज करेंगे. सेम थिंग जब हम किसी गर्ल का बारे में बात करेंगे तो शी लिखेंगे, शी, बट उसकी जगह गर्ल की कोई थिंग हो, उसकी ड्रेस हो, उसकी बॉटल हो, कुछ भी गर्ल का हो तो उसके साथ आता है HER, 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 her. तो HE एंड HIS his किसके लिए यूज होता है? बॉय के लिए. एंड SHE she एंड HER her यूज होता है गर्ल के लिए. ओके चलो नंबर वन. मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि ये सारी एक्सरसाइज आपको इंग्लिश की फेयर बुक में भी लिखनी है इन योर गुड हैंड राइटिंग. ओके चलो नंबर वन. मिस्टर अरुण इज माय अंकल. मिस्टर अरुण कौन है? मेरे अंकल है. तो मिस्टर अरुण मींस ही इज अ बॉय और ही इज अ गर्ल. मिस्टर अरुण इज माय अंकल. ओके अंकल है मतलब लड़का, अरुण नाम से ही पता चलता है. ओके डैश इज अ डॉक्टर. वो कौन है? डॉक्टर. अरुण लड़के हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे? इधर फिर से लिखेंगे कि मिस्टर अरुण इज अ डॉक्टर. नहीं, एक बार हमने मिस्टर अरुण लिखा है तो दूसरी बार आएगा ही इज अ डॉक्टर. मिस्टर अरुण इज माय अंकल एंड ही इज अ डॉक्टर. ओके नंबर टू. रीटा, RITA रीटा इज माय सिस्टर. रीटा कौन? मेरी सिस्टर. डैश इज वेरी स्मार्ट. वो कैसी है? स्मार्ट है. तो हम क्या लिखेंगे कि रीटा इज वेरी स्मार्ट. वी प्रोनाउन मींस नाम की जगह पे हम लोग को यूज करें तो बार बार तो हम नाम नहीं लिख सकते, तो नेम की जगह रीटा गर्ल है तो यहाँ पे आएगा शी इज अ, शी इज वेरी स्मार्ट. अभी हम लोगों ने ये बताया कि रीटा स्मार्ट है और अरुण डॉक्टर है, उसके बारे में, उसकी चीज के बारे में नहीं बताया है, इसीलिए ही और शी उसके नाम की जगह पे. यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि मिस्टर अरुण इज अ डॉक्टर, बट एक बार नाम आ गया है इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज किया? ही यूज किया. और यहाँ पे रीटा एक बार नाम आ गया इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे शी यूज किया, क्योंकि दो बार हम लोग रीटा रीटा नहीं लिख सकते ना. नाउ नंबर थ्री. रीमा, RIMA रीमा इज माय फ्रेंड. रीमा कौन? मेरी फ्रेंड. दिस इज डैश बुक. अभी हम लोग बात कर रहे हैं रीमा की बुक के बारे में. रीमा की कोई चीज आई है, रीमा की बुक आई है,
तो जब किसी गर्ल या किसी बॉय के थिंग्स के रिलेटेड हम बात करते हैं तब क्या मैंने सिखाया, हीज या तो फिर हर आता है, ओके। बट रीमा गर्ल है और रीमा की बुक है तो दिस इज हर बुक, क्या आएगा, एच ई आर हर, रीमा गर्ल है इसलिए बुक किसकी, रीमा की। तो यहाँ पे मैं रीमा नहीं लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी हर, दिस इज हर बुक, ओके। नंबर फोर, अंकल, अंकल अरुण इज अ डॉक्टर, जो मेरे अंकल है ना अरुण वो कौन है, डॉक्टर। दिस इज डैश कार, अभी अरुण तो लड़का है तो लड़के के लिए, और कार किसकी है, अरुण की, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज हीज कार, एच आई एस हीज कार। जब भी हमें किसी की थिंग, किसी की चीज बतानी हो कि ये इसकी है तब हम हीज और हर हर यूज करते हैं, ओके। दिस इज नेहा डैश इज अ सिंगर, नेहा कौन, सिंगर है, तो यहाँ पे नेहा मैं क्या लिखूंगी, सिंगर उसकी कोई चीज है नहीं, वो खुद सिंगर है, तो मैं लिखूंगी शी, क्योंकि नेहा गर्ल है, शी इज अ सिंगर, ओके। बॉय के लिए ही, गर्ल के लिए शी। माई ग्रैंडफादर इज 60 ईयर्स ओल्ड, मेरे ग्रैंडफादर कितने ईयर्स ओल्ड है, 60 ईयर्स ओल्ड। डैश वॉज अ टीचर, वो कौन थे, टीचर थे, तो ग्रैंडफादर बॉय है तो यहाँ पे मैं लिखूंगी ही वॉज अ टीचर। माई ग्रैंडफादर इज 60 ईयर्स ओल्ड, ही वॉज अ टीचर, ओके। नाउ माई सिस्टर इज 10 ईयर्स ओल्ड, मेरी सिस्टर कितने ईयर्स ओल्ड है, 10 ईयर्स। दिस इज डैश टॉयज, उसकी चीज के बारे में बता कि जो टॉयज है ना उसके हैं, मेरी सिस्टर के, ये टॉयज किसके हैं, सिस्टर के। अभी सिस्टर के कोई चीज बताइए, तो सिस्टर आती है गर्ल मीन्स शी, बट उसके बारे में नहीं बोला, उसकी टॉयज, उसकी कोई चीज के बारे में बोला है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, हर, दिस इज हर टॉयज, ओके। समझ में आया ना आपको, चलो नेक्स्ट, नंबर 8, माई सी ओ यू एस आई एन कजिन, माई कजिन, कजिन मतलब हमारा भाई या तो हमारी सिस्टर, मीन्स हमारे खुद के नहीं, हमारे चाचा चाची के, फुआ के, ओके। माई कजिन ब्रदर लिव्स इन मुंबई, मेरा जो कजिन ब्रदर है वो कहाँ रहता है, मुंबई। दिस इज डैश एड्रेस, ये जो एड्रेस है वो किसका है, मेरे कजिन ब्रदर का, ब्रदर मीन्स लड़का। अभी उसकी कोई चीज उसके एड्रेस के, उसके बारे में नहीं, उसकी एड्रेस के बारे में बात हो रही है, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, हीज, दिस इज हिज एड्रेस, ओके। समझ में आया, अभी यहाँ पे हमने प्रोनाउंस पढ़े थे हमारे खुद के बारे में, आई मी माई माइन, अभी यहाँ पे पढ़े हैं प्रोनाउंस ही शी हिज हर, मीन्स कोई लड़का या तो कोई लड़की, एंड उसके थिंग्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट प्रोनाउंस आर कि जब हम दो या एक जन नहीं, मैं खुद या कोई लड़का या लड़की नहीं, बट बहुत सारे हों जहाँ पे लड़का और लड़की साथ में हो, तब हम लोग यूज करते हैं वी। वी मतलब मैं और मेरे फ्रेंड्स, तब आता है वी। एंड यू मतलब कोई सामने वाला, अस मीन्स हम लोग सब, जो हम लोग की थिंग्स बिलोंग्स करती है। दे मतलब तुम सब, जिसमें मैं नहीं आती हूँ, सिर्फ तुम जो सामने बैठे हो ना वो, एंड डैम ऑल्सो कि तुम लोग ही, ओके। चलो देखते हैं, दिस इज अवर हाउस, ये किसका हाउस है, हमारा, मीन्स मैं आ गई, दिस इज अवर हाउस।
डैश लिव इन दिस हाउस, हमारा हाउस है तो उसमें कौन रहता है, हमारा मीन्स बहुत सारे लोग आ गए ना, चाचा चाची, मैं, मम्मा पप्पा, मेरे ब्रदर, मेरे कजिन्स, ओके। सो यहाँ पे वी आएगा के दे आएगा, देखो यहाँ पे बोला अवर मतलब मेरा, मैं भी आ गई, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी लिव, हम सब वी लिव इन दिस हाउस, दिस इज आवर हाउस, वी लिव इन दिस हाउस। नाउ नंबर टू, रीमा एंड रीटा आर फ्रेंड्स, जो सामने खड़ी है ना दो गर्ल्स, एक का नाम रीमा और दूसरी का नाम रीटा, वो दोनों अच्छी फ्रेंड्स हैं। मतलब मैं आई कि नहीं आई, नहीं मैं नहीं आई हूँ। डैश आर इन क्लास फर्स्ट, जो रीमा एंड रीटा है ना वो अच्छी फ्रेंड्स है, और वो कौन सी क्लास में है, फर्स्ट में, क्लास वन में। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी आएगा, वी मतलब मैं आ गई उसमें, मैं नहीं आई हूँ। तो दे दोनों हैं तो दे आएगा, दे आर इन क्लास वन, रीमा एंड आई आर प्लेइंग, अभी रीना और मैं हम दोनों खेल रहे हैं। माय ग्रैंडफादर इज वॉचिंग, मेरे ग्रैंडफादर किसको देख रहे हैं, कौन खेल रहा है, रीमा एंड मी, रीमा एंड आई मतलब कौन, मैं खुद, ओके। तो रीमा और मैं खेल रहे हैं, तो ग्रैंडफादर किसको देखेंगे खेलते हुए, हम दोनों को। तो माय ग्रैंडफादर इज वॉचिंग अस, अस मतलब मैं उधर हूं इसीलिए। हाउ आर यू, हाउ आर यू, दीस आर माय टॉयज, ये टॉयज किसके हैं, मेरे, I play with them, मैं उनके साथ खेलती हूँ, ओके। बहुत सारे टॉयज हैं इसीलिए थे, ठीक है। ये अच्छे से पूरा वीडियो अच्छे से देखना, और ये पूरे फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से अपनी फेयर बुक में लिखने, गुड हैंड राइटिंग में, ओके बाय।